Assalamualaikum खवातीन और हजरात शिपैक टीवी की तरफ से आपका मेजबान आ रहा है खवातीन और हजरात वेलकम टू द थर्ड डे एट रमादा होटल मुल्तान पाकिस्तान। हाँ भाई, क्या हाल है? फिट हो तो शिपैक टीवी की तरफ से आपके मेजबान आ रहे हैं। जिसका आज का प्लान क्या है मैं वो आपको बता। फिलहाल स्टार्ट यहाँ से होगा कि 7:30 इन द मॉर्निंग और नीचे ब्रेकफास्ट बुफे जो रूम के साथ कम्प्लीमेंट्री है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बुफे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बेशक बाद में मुझे जितना भी खाना हो। अभी मैं जाऊँगा नीचे बुफे करने। रमादा के ब्रेकफास्ट बुफे में 30-40 आइटम्स हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर रूम लिया हुआ तो ही आप ब्रेकफास्ट बुफे कर सकते हैं, बाहर से आके भी कर सकते हैं। इसकी 970 प्लस टैक्स आप पे करके और उसको बुफे कर सकते हैं। उसका टेस्ट बड़ा फिट है। तो आज का प्लान ये है कि आज मेरी ये कोशिश है कि एक दो कोई नाश्ते के अच्छे पॉइंट ढूंढूँ और उसके अलावा मेन फोकस जो आज है वो है मुल्तानी सोहन हलवा। और मुल्तानी सोहन हलवा की किचन तक एक्सेस लेके दिया है रमादा होटल ने। तो थैंक यू रमादा होटल पाकिस्तान मुल्तान। तो आज अभी सारा यही बता दूँ, इसके बाद हाँ भाई, अब आपका भाई पहुँच चुका है दिलमीर लस्सी पेड़ा हाउस। ये मेरे पीछे है दिलमीर, जो 1947 से है, मतलब कि सबसे पुरानी मुल्तान की लस्सी और सबसे मशहूर लस्सी। तो अभी चेक करते हैं दिलमीर की पेड़े वाली अल मशहूर लस्सी। हाँ भाई, दिलमीर पेड़े वाली लस्सी आ चुकी है जो कि 1947 से चल रही है। दिलमीर पेड़े वाली लस्सी, इसके अंदर खोए का जो पेड़ा होता है उसका पीस इन्होंने डाल के जब बन रही होती है तो उसी में उसको घुमा देते हैं। अभी पी के चेक करते हैं दिलमीर की पेड़े वाली लस्सी। ओए होए होए होए, क्या लस्सी है! पेड़ा खोए का मतलब बिल्कुल साफ जायका आ रहा है खोए का। इतना बड़ा इन्होंने अंदर वो पेड़ा डाला हुआ है जो इसके अंदर शेक हुआ है और ऊपर मलाई है और फुल गाढ़ी लस्सी। इस लस्सी में अच्छी चीज़ ये है कि ये एक्स्ट्रा मीठी नहीं है, बिल्कुल एक मुनासिब सा मीठा है। और खोए की छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ आ रही हैं ना, जो बहुत स्वाद करवा रही हैं ना। ओए होए, हाँ भाई, दिलमीर वालों ने हमसे लस्सी के पैसे नहीं लिए और ये थैंक यू दिलमीर लस्सी। और अब हाँ भाई, अब आइए असल चीज़ जिसके लिए मैं मुल्तान ख़ास तौर पे आया हूँ, वो ये है। और वो पूरी दुनिया में मुल्तान मशहूर भी उस चीज़ के लिए है और वो चीज़ सोहन हलवा है। तो ये मेरे पीछे इस टाइम है हाफिज़ सोहन हलवा और ये हाफिज़ सोहन हलवा के मैनेजर मेरे साथ हैं जो मुझे इसकी ब्रांचेज़ विज़िट करवाएंगे और जहाँ पर सोहन हलवा बन रहा है वो भी अभी चलते हैं। तो हाफिज़ सोहन हलवा की असल जो ब्रांचेज़ हैं मुल्तान में वो चार हैं, नकली बहुत ज़्यादा हैं। असल जो है वो ये आपको बता देते हैं कि अभी कहाँ कहाँ पर है। मेन ब्रांच जो है हमारी सबसे फर्स्ट जो है वो मेन हुसैनागई में है, सेकंड जो है वो कैंट में है। इस वक्त हम थर्ड ब्रांच पर खड़े हैं। ये चौक फवारा तरीन रोड है, यहाँ बहुत सी फेक शॉप्स हैं मिलते जुलते नामों से। और चौथी ब्रांच कहाँ पे? चौथी ब्रांच हमारी जो है वो फैक्ट्री आउटलेट है, दौलत गेट से आगे अली चौक पर है। दौलत गेट से आगे अली चौक। अभी हम चौक फवारा में जो इनकी ये वाली ब्रांच है पीछे हाफिज़ सोहन हलवा, पूरी ये येलो कलर की है, आपको देख के पता लग जाएगा, तो नकली पे जाके फंस ना जाना। हाँ भाई, ब्रांचेस विजिट करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे हाफिज़ जी का सारा सोहन हलवा बनता है। और ये एक ऐसी जगह है जिसको देख के मैं बिल्कुल हैरान रह गया हूँ, क्योंकि ये मेरे पीछे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हर तरफ सोहन हलवा बन रहा है। और मेरे ख्याल कोई 100 या 150 कढ़ाई हैं जिनके अंदर सोहन हलवा शदीद किस्म का बन रहा है। और इस तरफ ये सही मेकिंग हो रही है जो शदीद किस्म की होती है। हाफिज़ सोहन हलवा जो पूरे दुनिया में इनका सोहन हलवा भेजा जाता है और ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनकी सारी। इस तरफ सारे ये पिस्ता वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। जब सोहन हलवा यहाँ से इन कढ़ाइयों में से बन के डब्बों में आता है तो उन डब्बों में आने के बाद वो सोहन हलवे के ऊपर चीज़ें डालते हैं
अभी सोनल वेगा आपको शपैक चेक करवाते हैं। हाफिज़ हबीबुर रहमान, ये राइट इधर पर जो तस्वीर है हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब की, और ये मेरे बॉस के नाना हाफिज़ अहमद दीन साहब, इन्होंने 1930 में इस बिज़नेस का आगाज़ किया। बेसिकली मेरे बॉस के जो नाना थे हाफिज़ अहमद दीन मरहूमा मकफूर, वो हाफिज़ कुरान थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। तो कुरान पाक की तालीमात के आगाज़ में रस्म बिस्मिल्लाह या उसके अख्ताम पर रस्म आमीन पर वो ये सोन हलवा बनाकर बच्चों में सर्व करते थे। तो इस इवेंट पर बच्चों के पेरेंट्स और रिलेटिव भी आए होते थे, तो उनकी डिमांड पर या उनके बच्चों के घरों में जो छोटे मोटे फंक्शन होते थे उसके लिए फिर बनाकर हाफिज़ साहब ये देने लगे। 1960 में मेरे बॉस के वालिद हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब ने मुल्तान का कदीमी बाज़ार जो है हुसैना गई वहाँ हमारे सबसे पहले शोरूम का आगाज़ किया। ये पाकिस्तान की वाहिद स्वीट मार्ट है जिसे 2 मरतबा इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड मिला है। हाँ भाई, आपका भाई बन गया हलवा बनाने वाला हाफिज़ का सोन हलवा बन कर हूँ मैं, और ये वाला सोन हलवा कौन खाएगा? ये हाफिज़ के सोन हलवे की जो है ना शपैक चेक करते करते मैंने अपना शपैक अंदर डालना शुरू कर दिया। यहाँ से सोन हलवा पकता है, यहाँ से सोन हलवा बाकी आता है इस कढ़ाई के अंदर, इसके अंदर डलता है देसी घी। देसी घी के बाद सोन हलवा इस तरफ आता है, ये यहाँ पर बैठ के इसकी पैकिंग कर रहे हैं, जो पैकिंग आप लोग दुकानों पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डाल रहे हैं अखरोट, अखरोट डालने के बाद इस तरफ पिस्ता, पिस्ता डालने के बाद यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, और ये सारी पैकिंग का सीन चल रहा है अभी इस टाइम। इस सारे प्रोसेस के बाद इस तरफ अब हम लोग बैठे हैं हलवा खाने के लिए। माहिरे हलवा हाफिज़ का हलवा पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया से बाहर भी ज़्यादा है, और ये इसमें बिल्कुल फ्रेश हाफिज़ का हलवा मेरे सामने। अभी चेक करते हैं हाफिज़ जी का हलवा खा के। ये गर्म दाना गर्म करिए, ओ हो हो हो, क्या जबरदस्त जबरदस्त, इतना च्यूई, इतना फ्रेश सोन हलवा मैंने कभी नहीं खाया, और ऊपर से हाफिज़ का सोन हलवा फ्रेश मिल जाए। तो ये सोन हलवा जो है ना वो क्या क्या बात है। इसके अंदर डाला हुआ देसी घी, और देसी घी का साफ जायका इसमें आ रहा है। ऊपर पिस्ते और अखरोट डाल के फुली लोडेड किस्म का सोन हलवा। अभी मैं ज़रा तसल्ली से ये सोन हलवा खा लूँ, और साथ में मेरी चाय पड़ी है मैं वो पी लूँ। आप लोग तब तक क्या देखो, सोन हलवे का चिपैक देखो। हाँ भाई, हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा खाने के बाद और पूरी मेकिंग का शपैक चेक करने के बाद अब ये टूर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेस जो है वो नहीं मिलती है, ये मिली है जो मैनेजर हैं उनका शुक्रिया, और स्पेशल थैंक्स टू रमादा होटल मुल्तान पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक जो है वो पहुँचाया है। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, शुक्रन, अबाबील। भाई, ये हमने एक नई चीज़ ली है, तो अगर आप गैस कर सकते हो कि ये क्या है तो कर लो, अगली पूरी वीडियो इसके ऊपर होगी। और बस इतना बता देता हूँ कि अभी तक तो था आपका भाई ज़मीन पे, लेकिन अब आपका भाई करेगा हवाओं से बातें।